हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अपनी पहली न्यूज़ आई है स्काउट को लेकर। तो स्काउट ने बताया कि उन्होंने अपने आप को गिफ्ट किया आईफोन 12 प्रो, और उसका भी व्लॉग उनके चैनल पे आने वाला है। अपनी अगली न्यूज़ गाइस क्रॉन्टन को लेकर। तो गाइस क्रॉन्टन ने बताया कि जो उनका गॉड लाइक का पुराना एडिटर था, उन्होंने उनको चेंज कर दिया क्योंकि पुराने एडिटर के नखरे थे और वो न्यू एडिटर को ढूंढ। क्रॉन्टन ने बताया कि जो भी न्यू एडिटर आना चाहता है वो उनको जीमेल पे कॉन्टैक्ट कर ले, जो भी एडिटर होगा उसकी सैलरी भी अच्छी है गॉड लाइक के अंदर। अपनी अगली न्यूज़ गाइस पबजी मोबाइल 2.0 को लेकर। तो गाइस एक महीने पहले करीबी मैंने आप सभी को बताया था कि पबजी मोबाइल 2.0 आने वाला है, क्राफ्टन उसको डेवलप कर रहा है। तो गाइस अब फाइनली एक न्यूज आ चुकी है कि जो PUBG मोबाइल 2.0 वर्जन है वो नेक्स्ट वीक आने वाला है, और जो गाइस PUBG मोबाइल 2.0 है वो 2051 पे बेस्ड गेम होने वाला है, यानी कि एडवांस वेपन होंगे और एडवांस मैप्स होंगे। तो गाइस एक प्लेयर IGN है जिसने ट्वीट करके ये सब कुछ बताया। तो गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि जो PUBG मोबाइल 2.0 वर्जन है वो नेक्स्ट वीक में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हिंट दे रहे हैं कि जो PUBG मोबाइल इंडिया वर्जन है वो नेक्स्ट वीक आने वाला है, बस 2.0 का उन्होंने नाम यहाँ पे दे दिया हो। अगर गाइस 2.0 आएगा तो गाइस वो ग्लोबली लॉन्च होगा, यानी कि वो सीधे के सीधे इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, उसमें कोई ऐसे झंझट नहीं होंगे जो भी PUBG मोबाइल इंडिया में हो रहे हैं। तो हो सकता हो कि क्राफ्टन का ये सेकंड प्लान हो जो PUBG मोबाइल 2.0 को लाना। तो गाइस देखते हैं कि PUBG मोबाइल 2.0 कब तक आता है और कैसा होता है। गाइस PUBG मोबाइल इंडिया को लेकर, तो गाइस PUBG मोबाइल इंडिया से रिलेटेड लीक्स निकल के आई है। तो पहली लीक ये निकल के आई है कि जो क्राफ्टन का जो इंडिया के अंदर ऑफिस था पुराना वाला, उसको चेंज कर दिया और वो कहीं और जगह शिफ्ट हो गया है। तो ओल्ड एड्रेस और न्यू एड्रेस आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे अभी देख ही सकते होंगे। और तो गाइस जो न्यू ऑफिस है उसकी कुछ फोटोज निकल के आई है, तो गाइस वो फोटोज भी आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे अभी देख ही सकते होंगे। तो गाइस इसका मतलब ये है कि जो PUBG मोबाइल इंडिया है वो आएगा ही, क्योंकि गाइस ये जब ऑफिस शिफ्ट हो रहा हो तो गाइस ये ऑफिस ऐसे ही तो शिफ्ट होगा नहीं, गाइस कुछ ना कुछ तो बैकएंड में काम चल ही रहा है। बस अपन देखते हैं कि PUBG मोबाइल इंडिया कब तक आता है, और गाइस सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो PUBG मोबाइल इंडिया है वो मार्च तक तो आई जाएगा, आप सभी को पता ही है। तो गाइस देखते हैं कि फाइनली PUBG मोबाइल इंडिया अपन को मार्च तक देखने को मिलता है नहीं। आप सभी को क्या लगता है कि आएगा या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस ये मैं PUBG मोबाइल इंडिया के न्यू ऑफिस के जो क्रेडिट्स हैं उसको मैं डेल्टा 28YT को देना चाहूंगा। अपनी अगली जगह 420 को लेकर, तो गाइस 420 ने भी बोला कि जो PUBG मोबाइल से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकती है नेक्स्ट वीक। अपनी अगली जगह मैक्सटन को लेकर, तो गाइस मैक्सटन ने ट्वीट करके बताया कि जो PUBG मोबाइल 2.0 है वो नेक्स्ट वीक नहीं आने वाला, पता नहीं क्यों रूमर्स फैला रहे हैं। अपनी अगली न्यूज़ गाइस गॉड निक्सन को लेके, तो गाइस गॉड निक्सन ने इंस्टाग्राम पे बताया कि वो एक बॉलीवुड सिंगर के साथ कोलैब कर रहे हैं, और लेट्स सी कि गॉड निक्सन की तरफ से अपन को वो वीडियो कब तक देखने को मिलता है। अपनी अगली न्यूज़ गाइस 8-bit गोल्डी को लेके, तो गाइस 8-bit गोल्डी को किसी ने बोला कि मर्सी टॉक्सिक है, इसी की वजह से आपकी स्ट्रीम भी टॉक्सिक हो जाती है। तो गोल्डी बाइनस के रिप्लाई देते हुए ये बोला कि मर्सी कुछ भी करेगा और SE12 भी कुछ भी करेगा, जो है सब कुछ सामने है। अपनी अगली न्यूज़ गाइस OS को लेके, तो OS ने इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया कि डेली एक वीक तक लोगों पे वो गिव अवे करने वाले हैं, उस गिव अवे में क्या कुछ मिलने वाला है वो आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर अभी देख ही सकते होंगे। अपनी अगली न्यूज़ गाइस कैरी मिनाटी को लेके, तो कैरी मिनाटी ने इंस्टाग्राम पे बताया कि जो उनकी ग्रैंड मदर है उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए वो स्ट्रीम नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत जल्द वापस स्ट्रीम पे आने वाले हैं। अपनी अगली न्यूज़ गाइस मॉडल को लेके, तो गाइस मॉडल ने अपडेट दिया SE12 के न्यू बूट कैंप को लेके। तो मॉडल ने बोला कि सभी के सभी PC सेटअप पैक हो रहे हैं और बहुत जल्द वापस शिफ्ट होने वाले हैं, मार्च के सेकंड वीक तक सबके सब शिफ्ट हो जाएंगे पूरा SE12। देखते हैं कि अपन को SE12 का जो न्यू बूट कैंप है वो अपन सभी को कब तक देखने को मिलता है। यही थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज में। उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।